मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर हम स्टडी करने जा रहे हैं 8th क्लास इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड में सब्जेक्ट हिंदी फर्स्ट से, वो है नशा। देखिए, इसमें जो नशा की बात की गई है तो इसमें अहंकार वाले नशा की बात की गई है। इसमें दो मित्र होते हैं, एक गरीब घर से होता है और एक अमीर घर से होता है। तो जो मित्र अमीर घर से होता है उसकी आदत में जो है एक अलग सी अकड़ होती है, और मतलब वो कोई भी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करता है, अपने नौकर वगैरह को डांट देता है। ठीक है, तो उसमें जो पैसे का नशा है उसके विषय में इस चैप्टर में हमें बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जो करेंगे वो शब्द अर्थ करेंगे। ओके, देखिए लेसन नंबर 9, शब्द अर्थ। ठीक है, लेसन नेम इज नशा। दलील युक्ति, हिंसक कष्ट पहुंचाने वाला, लचर निश्चय प्रियाजन रखे रहना, बेदर्दी निर्दयता, उद्दंडता अखड़ता, विलासी मौज मस्ती में समय बिताने वाला, ऐश्वर्य प्रिय ऐश करने वाला, जहीन प्रतिभावना बुद्धिमान, निंदा बुराई, विवेक अच्छी समझ सत्य का बोध, गुस्ताखी दखल अंदाजी, तत्परता किसी काम को करने की लगन उत्साह, विनय नम्रता विनती। ठीक, अदब आदर, चेष्टा कोशिश, परिहास अपमान, स्वांग ढोंग, अख्तियार अधिकार, ठसा ठस पूरी तरह। ये है हमारे सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, जमींदार के लड़के का नाम था ईश्वरी। खान सामों ने ईश्वरी को क्या किया, सलाम। गाड़ी प्रयास से चलकर कहाँ रुकी, प्रतापगढ़। ब्राह्मण का क्या नाम था, रामहरण। लेखक ने चेहरे पर क्या ना पढ़ने दिया, झुर्रियाँ। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वह प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। यहाँ स्थान कम है इसलिए इसे यहाँ लिख दिया, ऐश्वर्य प्रिय। ईश्वरी ने मुझे अपने घर का पता दिया। रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। दोनों ने मेरी ओर परिचित नेत्रों से देखा। महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था। निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। बेदर्दी बे प्लस दर्दी, जहीन जा प्लस हीन, भोजन भो प्लस जन, औचित्य ओ प्लस चित्त, विनय वी प्लस ने, परिहास परि प्लस हास। निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हिंसक, मनुष्य को हिंसक नहीं होना चाहिए। परीक्षा, अधिकांश विद्यार्थी परीक्षा से घबराते हैं। खान सामा ने बहुत अच्छा खाना बनाया। मुसाफिर को बहुत प्यास लग रही थी। सम्मान, हमें सभी मनुष्यों का सम्मान करना चाहिए। निम्नलिखित में प्रत्यय जोड़कर दो दो नए शब्द बनाइए। ई घबराई मलाई, ता प्रदत्तता मूर्खता, हीन रक्तहीन रसहीन, मान अपमान अभिमान, आहट घबराहट झंझलाहट झलझलाहट झल्लाहट, दान रक्तदान स्वर्णदान।